एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि लिब्रा ऑफिस में पूछा जाता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये लिब्रा ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है और यहाँ पे कैल्क मैंने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर देता है 10 × 20 अपॉन, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और यहाँ पे दे देगा लाइक 4 × 8, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है और पूछता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधा सीधा 10 में 20 का गुणा करेंगे, 4 में 8 का गुणा करेंगे, तो 10 में 20 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 4 में 8 का गुणा 32। तो ऑप्शन में दिखाई ये नहीं देता, कहते हैं सबकी नन ऑफ एगो निचवा ऑप्शन दिया होता है, तो उसी पर टिक कर देते हैं सब, कहते हैं सबकी हो गया एकदम सही करके आए हैं, घर जाते हैं सब रिजल्ट आता है तो फेल हो जाते हैं सब, कहते हैं सब सर जी पढ़ाई में नहीं किए, तो पढ़ोगे तब ना पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, देखिए इस पे लागू होता है, काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। ये बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा, या फिर अगर जो सीबीएसई वाले हैं तो वो बोर्ड मास पढ़े होंगे, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्या होगा, इसका आंसर आएगा 400। कैसे 400 आएगा, देखिए सबसे पहले तो ये 10 है तो यहाँ 10 लिखा, फिर इंटू का साइन लगाया, फिर 20 लगाया, यहाँ पे 20 लिख दिया, अब अपॉन 4 × 8 यही है ना। तो अब देखिए होगा क्या, ये 4 × 8 है तो ये मैंने कर दिया 4 × 8, तो ये देखिए अब होगा क्या, इसमें सबसे पहले तो क्या करेगा ये कि डिवाइड करेगा, तो यहां से देख रहे हैं ये डिवाइड होगा, ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे, यानी 20 में 4 का भाग दे दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 10 से तो 50 आएगा, और 50 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 8 से तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस तरह से ये आंसर आएगा। अब देखिए ये 400 आ भी गया, तो क्लियर है ना ये बात। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए पूछा जाए तो आप इसी तरह का जवाब देंगे, और ये लिब्रा कैल्क में नहीं एक्सेल में भी पूछा जा सकता है, और अगर एक्सेल में पूछा जाए तो भी आपको यही जवाब देना है। ठीक है।